जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जी, बच्चों आज हम करने वाले क्लास 10th की मैथ चैप्टर बच्चे आपका 4 एक्सरसाइज है आपके 4.3 क्वेश्चन पर बच्चों आपका 5 है। असर आपके सामने बच्चों दी गई है, इसको आपने जुज़वी कसूर में तहलील करना है। 3x+7 / x+3 (x^2)^4 बच्चों आपके a बटा हम लिखेंगे x+3 (bx+c/x^2)^4 आ जाएंगे बच्चों आपके। तो ये वाला आपको ज़ाफ़तन होगा इस रकम के बटे में जो आपके कसर दी गई है, वाले इसी रकम को बच्चों आपने हर रकम से कर देना मल्टीप्लाई। तो मुसावात है बच्चों, आप लिखना भी है तरफेन से जरब देने से, तो इसको हम जरब देते हैं x+3 (x^2)^4 इसको बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे 3x+7 / x+3 (x^2)^4 और बराबर बच्चों a/x+3 इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे x+3 (x^2)^4 से। और दूसरे रकम बच्चों आपके पास है bx+c/x+2)^4 इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे x+3 (x^2)^4 से। तो ये वाले बच्चों आपके कट जाएगी, ये रकम भी कट जाएगी, बाकी आपके पास बच जाएगा 3x+7 और बराबर x+3 आपका x+3 से कट गया, बाकी आपके पास जाएगा a(x+2)^4 के ये मुरब्बे वाले बच्चों रकम मुरब्बे वाली कट जाएगी, तो बाकी आपके पास बच जाएगा bx+c (x+3) से। तो इसको बच्चों हम अगला नाम देंगे मुसावात b का नाम दे देंगे, और यहाँ पर बच्चों हम कीमत दर्ज कर देंगे x+3 में से x की कीमत निकालेंगे, तो x+3 बराबर लेंगे 0 के, तो ये 3 बच्चों दूसरी तरफ चले जाएंगे आपके हो जाएंगे -3 और ये वाली कीमत बच्चों आपने दर्ज कर देनी मुसावात बी में। तो मुसावात बी में x -3 दर्ज करने से लिख ले, दर्ज करने से बच्चों लिख ले या रखने से लिख ले, दोनों सूरत में आपका ठीक है। तो 3x की जगह पे आपके आ गए -3 प्लस के बच्चों आपके पास है 4 यहाँ पर प्लस के बच्चों आपके पास है 3+4 बराबर a(a)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 (a
पांच जगह माइनस तीन का स्क्वायर जमा के चार, ब्रैकेट आ जाती है आगे जमा बी इंटू एक्स की जगह पे आपके आ जाएगा माइनस के तीन, और जमा गया है बच्चों आपके पास सी इंटू एक्स की जगह पे यहाँ पे आ जाए माइनस के तीन, और ये वाले आपके आगे प्लस के तीन, ये बच्चों आपके आ जाएगा माइनस के नौ, माइनस के नौ ये कीमत बच्चों आपकी सात ही है इधर, सात एक्स जमा के ये आपके पास बच्चों सात है इधर, ये गलती से को लिखे गए एक्स का स्क्वायर जमा के ये वाले तो बच्चों आपके चार ही है, इधर आपके बच्चों चार ही है, ऊपर वाले सिर्फ यहाँ पे तीन एक्स जमा के साथ ही यहाँ पे आते हैं, इस तरफ आपके साथ है बाकी आपके बच्चों ठीक है, तो जमा के आपके साथ आ गए, तो ये आपका बच्चों ए है और ये तीन का बराबर बच्चों आपके पास जाएगा नौ जमा के चार, और प्लस का बच्चों आपके पास बच जाएगा ये तीन बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के बी प्लस का सी इंटू जमा के तीन माइनस के तीन कैंसिल हो जाएंगे आपके पास आ जाएगा जीरो, तो ये बच्चों आपके पास बचेंगे माइनस के दो और नौ चार ये आपके बन जाएंगे तेरह, तो इस तरह बच्चों आपका बन जाएगा तेरह है, और ये वाली सारी रकम आपकी जीरो हो जाएगी, बच्चों लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो इधर आप छोड़ा जा सकता है, बराबर है माइनस के दो के हमने कीमत ए की निकाल ली है बटा तेरह काट देंगे दोनों तरफ, तो इस तरह बच्चों आपका कट जाएगा, तो ए की कीमत आपके पास आ जाएगी माइनस के दो बटा तेरह, ये बच्चों आपकी ए की कीमत निकल आती है। अब बच्चों हम हल करेंगे मुसावात बी को मजीद, तो उसमें से हम कीमतें बाकी भी निकाल लेंगे, ये आपके पास है तीन एक्स है जमा के सात बराबर ए को मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका बन जाएगा एक्स का स्क्वायर, ए चार से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा चार है, इस तरह बी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपका बन जाएगा बी एक्स का स्क्वायर, और बी एक्स जब तीन से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों आपका बन जाएगा जब आगे तीन बी एक्स, इस तरह सी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो आपका बच्चों आगे सी एक्स, और सी जब तीन से मल्टीप्लाई हो तो आपका बन जाएगा तीन सी। अब बच्चे आपने इस रकम को तरतीब से लिख लेना है, तरतीब रजौली से, उसके मुताबिक पहले आपके आ जाएगी एक्स के मुरबे वाली रकमें आ जाएगी, और इसके बाद बच्चों आपके आ जाएगी एक्स वाली रकमें बी एक्स प्लस सी एक्स, और इसके बाद बच्चों आपके आ जाएगा कॉन्स्टेंट जिनके साथ मुतमयर नहीं है, तो ये आपका बच्चों तीन एक्स जमा के साथ बराबर
इस तरह के बच्चों आपका कॉमन जो होते हैं वो आपका निकल सकते हैं एक्स का स्क्वायर, ये हम एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और इस तरह के बच्चों आपका कॉमन आ जाएगा एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स कॉमन ले ले, यहाँ पे आपका ये है कॉन्स्टेंट जमा का 3c। अब बच्चों यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है, इस तरफ आपके पास एक्स का स्क्वायर नहीं है तो हम अपनी तरफ से जीरो एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बच्चों एक्स के स्क्वायर के अधिक सरों को बराबर कर देंगे, एक्स मुरब्बे के अधिक सरों को बराबर करने से तो इस तरह बच्चों आपके पास है जीरो एक्स का स्क्वायर, जो आपके राइट साइड पे आपके पास है ए प्लस बी इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स के स्क्वायर को बच्चों कर दे दोनों तरफ डिवाइड, तो इस तरह ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह बच्चों आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी बराबर आपका जीरो के। ए की कीमत बच्चों आप निकाल चुके हैं, वो आपके पास है माइनस के 2/13 और प्लस के बी बराबर जीरो के, तो 13 को आप ले जाए राइट साइड पे तो उस तरफ जाकर आपके बच्चों प्लस के हो जाएंगे। इस तरह बी की कीमत बच्चों आपका निकलती है 2/13, तो यहाँ पे हम लिखना भी है कि ए की कीमत दर्ज करने से जी बच्चों आपके पास ए की कीमत भी आ गई है, बी की कीमत भी आ गई है, अब हमने निकाल ली है सी की कीमत। उसके लिए बच्चों हम करेंगे एक्स के अधिक सरों को बराबर करेंगे, ये 3x है और इस तरफ आपके पास ये वाली रकम है, तो इस तरफ बच्चों आपके पास है 3x जबकि राइट साइड पे आपके पास है 3b जमा का c और इनटू एक्स के, तो एक्स से डिवाइड कर दे बच्चों दोनों तरफ, तो ये आपका एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह बच्चों आपके पास आ जाएगा 3b जमा का c बराबर 3 के। और b की कीमत बच्चों हम निकाल चुके हैं, b की कीमत आपके पास है 2/13, तो 2/13 लिखा हमने, c बराबर 3 के। ये बच्चों आप लिखना भी है कि b की कीमत दर्ज करने से, तो बच्चों 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 6, तो ये आपके पास है 6/13 जमा का है c और बराबर है बच्चों आपके पास है 3, हमने कीमत c की निकाली है तो ये माइनस के 6/13 को ले जाए दाएं तरफ, उस तरफ जाकर आपकी हो जाएगी माइनस के 13, तो 13 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 13 39 और 13 13 से कट जाएगा एक आता है, एक 6 से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों आपका आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो इस तरह बच्चों सी की कीमत आपके पास आ जाते 33/13 के। तीनों कीमत बच्चों आपके पास आ गई है, अब ये वाली कीमत बच्चों आपने दर्ज कर देनी है, मुसावात ए में दर्ज कर देनी है, यह पे बच्चों आपको लिखना भी है कि मुसावात ए में ए बी और सी की कीमतें दर्ज करने से, मुसावात को उसको बच्चों आपने दोबारा लिखना है एक्स जमा 3 इंटू एक्स का स्क्वायर जमा के 4 बराबर ए की जगह पर बच्चों आपके आ जाएंगे माइनस के 2/13 माइनस के 2/13 और बटे में आपके पास बच्चों एक्स जमा के 3 आगे प्लस है बी एक्स, बी की कीमत आपके पास है 2/13 तो ये आ जाएगा 2/13x और जमा सी की कीमत बच्चों आपके पास निकली है 33/13 के और बटे में बच्चों आपके पास है एक्स का स्क्वायर जमा के ये आपके पास है 4, तो एक्स का स्क्वायर जमा के 4, तो बच्चों ये बटे वाला इशू आता है तो बटे ऊपर वाली रकम के बटे में जो लिखी हुई है वो नीचे वाली रकम के बटे में आ जाएगी, तो 2/13 आपके पास आ जाएगा एक्स जमा के 3 और प्लस बच्चों दोनों बटे में 13 है दोनों रकमों के, ये आपका एलसीएम होगा तो 13 आपके नीचे आ जाएंगे, तो ऊपर आपके रह जाएगा 2x जमा के 33 बटा आप लिखेंगे बच्चों 13 इंटू एक्स का स्क्वायर जमा के 4 और ये बच्चों आपका मतलब आंसर है। जब इंटू बच्चों लिखेंगे तो ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है क्योंकि 13 आपका मल्टीप्लाई अभी ये तमाम दोनों रकमों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के बगैर चलो यहाँ पे आपकी गलती हो जाएगी, इसलिए हमें ब्रैकेट आपने लाजमी लगानी है जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।